अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप सब की तमाम परेशानियों को दूर करे और आपकी मुश्किलात को आसान करे। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एज़ यू ऑल नो कि मैंने ईद का फर्स्ट डे व्लॉग अपलोड किया था, तो ये मेरा सेकेंड एंड थर्ड डे बोथ डेज का व्लॉग है। इस व्लॉग में क्या क्या होने जा रहा है सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हो अजवा, कैसी गुजरी ईद? बहुत अच्छी। बड़े को भी विश कर देते हैं। खैर मुबारक बेटा जी, चलें बैठे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हो आप? कैसी है? तैयार क्यों नहीं हुई आज आप? तैयार मैं यार फर्स्ट डे तैयार हुई थी। बैठो बैठो। तो फर्स्ट डे तैयार हुई, फिर मैंने सही ढेर सारी पिक्चर्स बनाई। मैं वही घर के कपड़े, घर के स्लीपर पहन के बैठी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी तैयार होने का। और आपको चाहिए था कि आज आप फिर तैयार होती, थोड़े से आप अपने आप को सेट करती। किसी ने आना ही नहीं था, ना हमने कहीं जाना था। लाइक आना था सब ने, बट हमने कहीं जाना नहीं था। तो मैंने कहा जब सबने आना ही है, मैंने सबको होस्ट करना है। एग्जैक्टली, सबको होस्ट करना है तो फिर गर्मी में कौन बार बार किचन के चक्कर लगाए इतना नए सूट पहन के और प्यारा प्यारा तैयार होके, जब किचन में ही हमने पूरा दिन गुजारना है। तो बस इसलिए इंसान की सारी स्किन पे तो किचन में गुजर जाती है। लेकिन मानो मैंने स्किन केयर की थी अपनी चांद रात पे, इतने मज़ेदार सी हुई थी और सही मतलब स्किन ग्लो कर रही थी। और अब चार दिन जो किचन में हमारी हीट की वजह से स्किन बर्बाद हो चुकी है। दिखाओ अपने हैंड्स, मेहंदी लगाई है? इस हैंड पे नहीं लगाई क्योंकि मुझसे खुद से लगती नहीं है। तो और ये खुद लगाई है? लेफ्ट हैंड पे लगाई। वाओ, अच्छी लग रही है। मैंने इस बार इतना मिस किया मोमना की मेहंदी को, मुझे हमेशा मोमना ही लगाती थी ईद पे। सो बस आई जस्ट वेंट विद दिस गोल्ड टिक्की क्योंकि मुझे मेहंदी नहीं लगाने आती। तो जी हाँ, 11:30 का टाइम था और मैंने बस मिल्क शेक वगैरह पिया। देन फिर हमारे घर आ गए थे खाला लोग और मामू लोग आ गए थे, तो उनकी बेटियों के साथ गपशप लगाई और ईद वगैरह का पूछा कि कैसे ईद सेलिब्रेट की है उन्होंने। तो जो मेरी कज़न है उसका तो फर्स्ट डे ईद का गाँव में ही गुजरा था क्योंकि वो अभी उसकी रिसेंटली शादी हुई है, तो शादी के बाद फ़र्स्ट उसकी ईद थी तो उसने गाँव में ही गुजारा था। देन फिर सेकेंड डे वो यहाँ सबके साथ मिली और गपशप लगाई। तो ईद जो होती है ना, वो आप जो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो ना, उसका अपना ही मज़ा होता है। लाइक ईद जो है ना, वो होती ही अपनों के साथ है। और यहाँ पे फिर मामू समोसा ले आए थे और फिर हमने इनको होस्ट किया, चाय वगैरह बनाई। अच्छा, यहाँ पे वो रिशा इतने मज़े से ना राउंड लगा रही थी और अजवा उसको घुमा रही थी, और जब भी मैं उसके सामने कैमरा करती हूँ ना तो वो ऐसे शर्मा जाती है, शाय हो जाती है। लेकिन फिर मैं भी उसको हर हाल में कैप्चर करके ही रहती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं चाय वगैरह बना रही थी और आपको पता है इतनी गर्मी है, इस गर्मी में बिल्कुल भी दिल नहीं करता किचन में जाने को या कुछ भी कुकिंग वगैरह करने को। और मैं भी सोच रही थी कि इस बार वाली जो गर्मी है, लाइक इस साल जितनी गर्मी पड़ी है वो गर्मी पिछले सारे सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस बार वाली गर्मी बहुत शदीद है। इवन कल मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि जो हज हुआ है वहाँ पे 500+ हाजी जो हैं शहीद हुए हैं, तो वहाँ तो टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री हमसे भी ज़्यादा, लाइक इधर यहाँ पे 40-41 है तो वहाँ 51 या 52 डिग्री है। बट देन शुक्र है कि शाम के टाइम यहाँ पे थोड़े बहुत क्लाउड्स आ गए थे और वेदर तो ठंडा नहीं हुआ था, वैसे ही गर्मी थी। बट ये है कि लग रहा था कि रात को फिर थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी या अच्छी वाली हवा चलेगी। ये लो अजवा तुम्हारी थी, इंजॉय करो दोनों का गिफ्ट। वेलकम। अच्छा, यहाँ पे हमारे खाला और मामू चले गए थे और हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, दिन का टाइम था, खाना वगैरह खाया। फिर शाम को यहाँ पे एक और खाला हमारी होती हैं, वो आ गई थी तो फिर उनके लिए हमने चाय बनाई और उनके साथ बेटियाँ भी थीं। तो यहाँ पे जब गर्मी में आप बिल्कुल दिल नहीं करता लाइक कुछ किचन में खड़े होने को या कोई भी कुकिंग करने को, और मैं कहती हूँ कि इतनी गर्मी है, इस गर्मी में आप बिल्कुल लाइक एसी लगा के सामने बैठ जो, इतनी गर्मी है। यकीन माने जो हज है वहाँ पे भी हज के दिनों में 500 से ज़्यादा हाजी जो हैं वो शहीद हुए हैं, और मैं कहती हूँ कि हमारी तो चलो फिर इतनी कम है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है।
और अभी जून का मंथ है ना, तो ये वाले जो 2-3 मंथ्स हैं ना, जून, जुलाई, अगस्त, इनमें वैसे भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो अगस्त के बाद कहीं जाके थोड़ा बहुत नॉर्मल होगा टेम्परेचर, बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे फिर शाम का टाइम था और हम बना रहे थे कबाब। तो मसाला वगैरह अम्मी ने ऑलरेडी बना के रख दिया था, और मसाला जब तैयार हो गया, रेडी हो गया, तो बस यहाँ पे टिक्कियाँ वगैरह बनाई कबाब की। और आपको पता है कि जो बीफ के कबाब होते हैं, इनका अपना ही टेस्ट होता है, और हम सब घर वालों को कबाब इतने पसंद है, बीफ के कबाब। पता है जब आपके घर में कोई सालन ऐसा बना हुआ हो जो आपको पसंद ना हो, तो आप आराम से कबाब फ्राई करके बना लेते हो, और इनका जो टेस्ट होता है ना, वो इतने मज़े का होता है। इवन आपको मार्केट से भी इस तरह के मिलते नहीं हैं जो होम मेड होते हैं। तो घर पे बनी हुई जो चीज़ होती है, वो खाने में भी अच्छी लगती है, उसका टेस्ट भी मज़े का होता है, और वो साफ़ भी होती है। तो कबाब यहाँ पे कर लिए थे रेडी, और हमने बनाना था बीफ पुलाव, क्योंकि लास्ट डे था और मेरे भाई ने जाना था वापस नेक्स्ट डे। तो वो कह रहे थे, उनकी फरमाइश पे फिर हमने बीफ पुलाव बनाया, और वैसे भी बड़ी ईद थी तो फिर बीफ पुलाव तो मस्ट होता है। और मुझे लगता है हर घर में ही बीफ पुलाव बनता ही बनता है, लाइक पहले दिन ना भी बने तो सेकेंड डे, थर्ड डे, या फिर उसके बाद ज़रूर बनता ही है। लाइक बीफ पुलाव जो होता है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मुझे तो चिकन पुलाव से ज़्यादा मज़े का बीफ पुलाव लगता है, और मटन पुलाव भी बहुत टेस्टी होता है। तो बस यहाँ पे फिर हम बीफ पुलाव बना रहे थे, और यहाँ पे आलू बुखारा भी थोड़ा सा ऐड किया था मैंने, राइस वगैरह ऑलरेडी भिगो के रख दिए थे, और बस बाकी स्पाइसेस वही थे। और ये बेसिकली अम्मी ने यखनी बना के पहले से रख दी थी, लाइक वो होता है ना सूप बना के आप रख देते हो, और जो उसका गोश्त होता है उसको फिर बाद में छोटा छोटा हमने पीसेस में कट कर दिया था, और जो इसकी यखनी थी वो भी बाद में ऐड की थी इसके अंदर। तो ये यखनी पुलाव था, और यहाँ पर बस स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं। आप लोग बताएं, आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है या गुजर चुकी है? खैर अब तो थर्ड डे भी ख़त्म हो गया है, और हमारी तो हमेशा ऐसी ईद गुजरती है कि हम होस्ट करते हैं, हमारे जो गेस्ट आते हैं, फैमिली आती है, उन सब जी। यहाँ पे जो कबाब थे वो हमने फ्राई कर लिए थे, और फिर हमने डिनर करना था, बस पुलाव भी यहाँ पे रेडी हो गया था, और ये है पुलाव की फ़ाइनल लुक, और देखेंगे कितना टेस्टी लग रहा है। वहाँ पे हमारी ईद होती है ख़त्म, और उम्मीद है आपको ईद के मेरे व्लॉग्स पसंद आए होंगे, और आप लोग बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, और इंशाल्लाह अब आएंगे रूटीन की तरफ वापस, और मैं व्लॉग को यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।